धार जिले में इन दिनों सोयाबीन के भाव बढ़ाने को लेकर किसान काफी सक्रिय है। आए दिन किसान बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन देकर अपनी फसलों का दाम बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी के चलते आज धार जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए धार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जब किसानों का ज्ञापन लेने एसडीएम और रोशनी पाटीदार पहुंची तो किसानों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, अपनी समस्या सुनना चाहते हैं, कलेक्टर से मिलने के लिए अड़े रहे। आपको बता दें, धार जिले में किसान सोयाबीन फसल का दाम समर्थन मूल्य से कम होने की वजह से जिले के किसान काफी आक्रोशित है। इसी के चलते आज धार जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए ज्ञापन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। बड़ी संख्या में किसानों को देखकर धार एसडीएम रोशनी पाटीदार किसानों का ज्ञापन लेने पहुंची, लेकिन किसानों ने ज्ञापन देने से साफ मना कर दिया और कहा कि हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, हमारी समस्या से अवगत कराना चाहते हैं, कलेक्टर से मिलने के लिए किसान अड़े रहे। कुछ देर बाद धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा किसानों के बीच पहुंची और उनकी समस्या सुनी। सर, बात यह है कि आज किसान इतना परेशान है कि इतना मजबूर हो गया कि यहाँ पर मजबूर हुआ पूरे धार जिले के किसान आने के लिए, क्योंकि आज हमारी जो सोयाबीन है जो सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 4,892 रुपए उससे लगभग 800 रुपए प्रति क्विंटल कम बिक रही है। आज मंडियों में हमारी सोयाबीन 3,000 रुपए से लगाकर 4,500 रुपए प्रति क्विंटल ही बिक रही है और आगामी फसल हमारी एक महीने में पक्के तैयार हो जाएगी नहीं और बम्पर मंडियों में आना शुरू हो जाएगी। हमें आशंका है, पूरा अंदेशा है कि हमारी सोयाबीन कम दामों पर बिकी तो हमें भारी नुकसान होगा, भारी नुकसान, घाटा होगा। सोयाबीन की मांग हमारी है 8,000 रुपए, खर्च बढ़ गया है, लागत बढ़ गई है और मुनाफा कम हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सरकार से कि सोयाबीन के रेट आप 8,000 के लिए, घोड़ा रोड की जो समस्या है उसे निदान हेतु कोई ठोस कदम उठाए। सर, मुख्य समस्या किसानों की तो बहुत कुछ है जो आज लगता है किसानों को देश में किस प्रकार से सोयाबीन का भाव जो करीब लगभग 10,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए, ये 6,000 की बात है, गलत है। क्यों 10,000 रुपये क्विंटल क्यों होना चाहिए कि मनमोहन सरकार में 5,000 रुपये क्विंटल था और आज उस बात को 12 साल हो गए। कितने साल? 12 साल में क्या किसान की लागत नहीं बढ़ी है? तीन गुना लागत हो गई है, हर चीज़ में तीन गुना हो गई है। आप सोना चांदी खाद बीज दवाई खेती सर्फ सोडा साबन सोडा सबका भाव 2 गुना से 3 गुना हो गया, तो किसान के भाव सोयाबीन के हमें कम से कम 10 से 12,000 होना चाहिए और गेहूँ के भाव हमारे 4,000 रुपये होना चाहिए। मनमोहन सरकार में 2,000 के भाव थे, उसके भाव आज हर चीज में डबल हो गए, तो किसान के भाव डबल होना चाहिए, ये हमारे किसान की मांग है। किसानों ने धार कलेक्टर को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, सोयाबीन की फसल का उत्पादन करने में लागत काफी लगती है लेकिन समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य में अभी सोयाबीन बिक रही है, यह हमारी गंभीर समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी फसलों का मूल्य समर्थन मूल्य से भी अधिक मिलना चाहिए। साथ ही किसानों ने यह भी मांग की है कि बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, जिसका सर्वे किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए और क्षेत्र में घोड़ा रोज की बड़ी समस्या है जो फसलें खराब कर रहे हैं, समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, अन्यथा किसान संगठन उग्र आंदोलन करेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। 70 रुपए में मिल रहा था, आज वो 40 किलो ही हो गए हैं। भाई सरकार अपना चीज का सबका रेट बढ़ा दी है तो कम से कम किसानों को तो कुछ तो कुछ हो। आज 4,042 में सोयाबीन बेच रहे हो तो उसमें कम से कम लागत से ऊपर हर सरकार बोल रही है हमने एमएसपी बढ़ाई तो किस किसान को मिली? एक प्रूफ पे बता सकता है कोई अधिकारी या कोई भी बीजेपी का हो या कोई भी बता सकता है कि यार इस सरकार में ये खाद का बढ़ाया है तो आपने सोयाबीन का बढ़ाया, किस किसान को मिला? एमएसपी पे माल सोयाबीन पिछले बार भी खरीदा लेकिन आज तक एक किसान को एमएसपी का रेट नहीं मिला। किसान सस्ती अपनी सोयाबीन निकाल के लाता है, वो सस्ती सोयाबीन बेचता है तेल लेने के लिए, महंगा तेल लेने के लिए, और फिर वो सस्ती सोयाबीन बेचता है उस सोयाबीन को लगाने के लिए, महंगी सोयाबीन का बीज लाने के लिए, फिर वो सस्ती सोयाबीन बेचता है ट्रैक्टर वाले महंगे ट्रैक्टर वाले को देने के लिए, फिर सस्ती सोयाबीन बेचता है कीटनाशक वाले महंगे कीटनाशक वालों को बेचने के लिए, फिर सस्ती सोयाबीन बेचता है मजदूरों को देने के लिए, ट्रैक्टर वालों को देने के लिए, और मजदूरों के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्या मिल रहा है किसान? फिर वो सोयाबीन वही के वही डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, सभी की चीजों के भाव बढ़ रहे हैं और सभी के रेट बढ़ रहे हैं और हम सस्ती सोयाबीन बेचे जा रहे हैं, सस्ती सोयाबीन बेचे जा रहे हैं, सोयाबीन बच ही नहीं रहा। आखिर में किसान आंदोलन के लिए आए थे, कलेक्टर साहब को कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, हमारी सोयाबीन लागत मूल्य से कम हमें भाव मिल रहा है,
6000 से ऊपर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे हर चीज का भाव ज्यादा है, केवल हम किसान ही सोयाबीन का भाव क्यों कम हमारा, क्योंकि हमारे खाद 2004 या 6 में शायद 400 रुपए की डीएपी की बोरी थी, जो आज 1500 रुपए है, जो 400 रुपए का कीटनाशक दवाई मिलती थी, जो आज 1500 रुपए है। ऐसा क्यों, जब सोयाबीन 10000 रुपए बिकी थी, जब भी तेल का भाव वही था और आज 4300 बिक रही है तो भी वही है, मतलब हमारे माल का भाव नहीं, और जो सामने वाला एक मतलब औद्योगिक बेच रहे हैं उन लोगों के माल का भाव है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि सरकार सबसे रत्ती माल, सबसे खराब माल इस रेट में खरीदना चाहिए, जबकि सरकार के द्वारा व्यापारी को जरा अगर इस रेट में खरीदी जा रही है तो सरकार को उन पर कार्रवाई करना चाहिए कि किस तरह से इतने कम रेट में खरीद रहे हैं। साथ ही जब ये न्यूज चैनल चलाए जाते हैं तो ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का, कांग्रेस के द्वारा प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में किसान इतना प्रताड़ित हो रहा है, सिर्फ किसान ही इस आंदोलन को चला पा रहा है, किसान एकत्रित नहीं हो पा रहा है, ये विडंबना है इस देश की, क्योंकि किसान को खेतों से फुर्सत मिले तब इतनी संख्या में आ जाए, अगर किसी राजनेता भी राजनेता के द्वारा अगर ये चीज की जाती तो अभी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती, क्योंकि वो पैसे देके भीड़ इकट्ठी करते हैं। किसान ये काम नहीं कर सकता, किसान ईमानदारी से आता है, ईमानदारी से अपनी समस्या देश को बताना चाहता है, तो उसकी समस्या देश के द्वारा हल की जानी चाहिए। जब हम चाहते हैं कि ये बीजेपी का है, कांग्रेस का, वो नहीं, यहाँ पे आम किसान की बात होती है, आम किसानों के दुख दर्द को, जैसे आज शिवराज सिंह चौहान ने मामा का बनके रोल निभाया, ऐसे किसानों के लिए किसान पुत्र का रोल निभा के बताए, ये भी कहना है मेरा उनको। साथ ही ये सारी चीजें ऐसे होना चाहिए कि किसान संतुष्ट हो। आज जो रेट सब्सिडी खत्म की तो किसान ही प्रताड़ित हुआ। बताइए कौन सी सरकार ने किसानों का दुख दर्द समझा? चलिए नरेंद्र मोदी, मैं मानता हूँ देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, मैं मान लिया कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो देश हित में कौन है? जय जवान और जय किसान, तो किसानों के लिए कहां सुनी जा रही? उनको बीच में आके सुनना चाहिए। अगर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को वहां लिया कि एक आपको नई चीज देंगे, तो शिवराज सिंह चौहान को आके सुनना चाहिए, एक बार सोयाबीन में आके देखे। अभी लगातार बारिश होने की वजह से अफलन की शिकायत होना, जो दूसरे वायरसेस वगैरह हो रहे, फलियां सड़ के गिरना, ये आप एक बार जाके तो देखे खेतों, पता चलेगा। तब आप कैबिनेट में बैठ गए, इसका मतलब ये थोड़ी।